यार लोग कैसे टेक स्टार्टअप बना रहे हैं ओपन एआई का यूज करते हुए। हाँ जी, ओपन एआई इस वक्त न केवल ह्यूमन सिविलाइजेशन की मदद कर रहा है अपने एल्गोरिथम से, बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज भी बना रहा है आपके लिए पैसे छापने का। जरा सोचिए, आप बोले एक वेबसाइट बना दे जो ऑटोमेटिकली ही न्यूज आर्टिकल्स टाइप करके पब्लिश भी कर दे, वो भी नए वेब डिजाइन के साथ, या एक ऐसी ऐप बना दे जिसको लोग हर दिन यूज करें फिल्टर लगा के और अपने पोस्ट से पैसे कमा सके, या एक ऐसा मार्केटिंग बैनर बना दे जो लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दे ये पोस्टर में दांत दिखाने के हैं या खाने के, और लगे हाथ कुछ ऐसा ही बना दे जिससे चैट करते हुए इन्वेस्टर की पिच, कस्टमर को रुझाने वाले मेल्स और कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स एक क्लिक में बन जाए, और हम बना दे अपना टेक स्टार्टअप 18 शब्दों की लाइन से। इलॉन मस्क, ग्रेग ब्रॉकमैन, लिलिया स्कुटकेवर और सैम ऑल्टमैन की मेहरबानी से नए नए यूट्यूबर, बिजनेसमैन, फ्रीलांसर्स बन रहे हैं, ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। ओपन एआई अपने सिर्फ 3 प्रोडक्ट से इस समय लोगों की इस तरीके की मदद कर रहा है, और ये तीनों ही ऐसे प्रोडक्ट है जिससे आप अपना करियर बनाते हैं क्रिएटिव फील्ड के अंदर। और यही तो हम जानने आए हैं इस वीडियो में, कैसे और क्या स्टार्टअप बन सकते हैं इन 3 प्रोडक्ट यानी डायलेट 2.0, चैट जीपीटी 3 और कोडेक्स के इस्तेमाल करके। लगे हाथ ये भी जान लेंगे कि यार ओपन एआई काम कैसे करता है, जिससे क्या हम एक नया ओपन एआई बना सकते हैं वो भी जान लेंगे। और अगर यूट्यूब ओपन करके इस वीडियो पे आए हो तो स्वागत है आपका, आप नए साथी बन चुके हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर। इसको और पुख्ता कर सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दबा के और बेल आइकन दबा। खैर, ओपन एआई 2015 में इन 4 लोगों द्वारा शुरू किया गया, और स्टीवन हॉकिंग के डर सच साबित होने की राह में हम आगे बढ़ने लगे कि भैया एआई इतना सोचने लगेगा कि अपने आप को ही रीडिजाइन करके ये सोचेगा कि अपुन के जैसा तो कोई हाड़िच नहीं है। और उसी की शुरुआत हुई 2015 में, और आज सच में एआई बहुत लोगों की जॉब्स ले रहा है। जहां लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का फ्यूचर ब्राइट है, ऐप बिल्डर्स और वेबसाइट डेवलपर का फ्यूचर सोने की प्लेट में तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन उस सोने की प्लेट से एआई खाना खा रहा है ये किसी ने नहीं बताया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये मानना था कि 85 मिलियन जॉब रिप्लेस कर देंगी 2025 तक रोबोट्स और ऑटोमेशन इंटेलिजेंस द्वारा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि यार देखो अपॉर्चुनिटीज जाएंगी और नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी भी, और आर्टिस्ट, फ्रीलांसर्स, एंटरप्रेन्योर्स सबके लिए, मोस्टली क्रिएटिव ओनर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी लेके आया है एआई। और लोग भी समझने लगे हैं, इसका सबूत यूट्यूब का ये पेज, जहां ओपन एआई से क्या क्या बन सकता है और कैसे बन सकता है उसके 100 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लोग सीख रहे हैं अब कि एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कैसे पैसे छापे, और कुछ ऐसा बना रहे हैं जो लोगों ने आज तक सोचा भी ना हो। दोस्तों एक फन फैक्ट, ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी जो ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए ही बनाया गया था, और ये एक रिसर्च लेबोरेटरी है जो एआई के ऊपर काम करती है रिसर्च करके, यानी कि अपना रिसर्च का काम ये आपके साथ पब्लिक के साथ शेयर करते हैं एज इन प्रोजेक्ट्स। इलॉन मस्क इसके एकमात्र डोनर है, ना कि अथॉरिटेटिव मेंबर। फन फैक्ट के बाद अब बात करते हैं ओपन एआई के बारे में। ओपन एआई इस्तेमाल करता है एजीआई और अपने जीपीटी टेक्नोलॉजी का। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब साइंस फिक्शन है ही नहीं, ओपन एआई इसका अच्छा सबूत है, जो कि वो सारे काम कर सकता है जो ह्यूमन कर सकते हैं, चाहे वो क्रिएटिव भी क्यों ना हो। वो सुनते हैं, इमेजेस को रीड करते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे सकते हैं। इवन मैं कुछ रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि ओपन एआई कैंसर और एचआईवी जैसे प्रॉब्लम्स का इलाज ढूंढ रहा है अपनी क्रिएटिविटी से, और ये सब कुछ संभव हो सकता है एजीआई की मदद से। एजीआई का मतलब यहाँ पर है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एक ऐसा एआई सिस्टम जो ह्यूमन के जैसा ही काम कर सके, उनके जैसा ही सोच सके। और एजीआई का यूज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ओपन एआई तो इसे यूज कर ही रहा है, डीप क्यूए और गूगल का डीप माइंड भी इसे यूज करता है, मेटा का एआई प्रोग्राम भी है वो भी एजीआई का यूज करता है। तो ये एजीआई कैसे काम करता है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, आपको डेटा की लिस्ट देखेगी, यानी कि वो वेबसाइट या वेब पेज जहां पर बहुत सारा डेटा जमा हुआ है उसे आप ढूंढते जा रहे हैं। तो एजीआई क्या करता है, आपके उस स्क्रॉलिंग से आप जो ढूंढ रहे हैं उससे वो डेटा कलेक्ट करता है कि क्या पैटर्न्स निकल सकते हैं आपके सर्च से। आप जितने पैटर्न्स बनाते जाते हैं उतना ही एजीआई ट्रेन होता जाता है, और फिर वो इसका इस्तेमाल आज जो हम देख रहे हैं ओपन एआई के रूप में करता है। इसका एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ कि वो जो रीकैप्चा आता है जिसमें आपको इमेजेस को टिक करना होता है, कौन सी सही है कौन सी गलत, कौन सा खिलौना है कौन सा रियल, तो आप उस एआई को ट्रेन कर रहे होते हैं उस समय ताकि वो डिफरेंस पता कर सके। और इसलिए आज हम ओपन एआई जैसे डाले 2.0 का इस्तेमाल कर रहे हैं इमेजेस को अच्छी तरीके से क्रिएटिव
इफेक्टिवली बनाने के लिए, और दूसरा ओपन एआई इस्तेमाल करता है अपने जीपीटी टेक्नोलॉजी का। जीपीटी एक लैंग्वेज है जो मदद करती है एआई से कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे कि एचटीएमएल या सीएसएस या सी++ से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी मशीन के साथ कि आपको क्या एक्शंस लेने हैं। वैसे ही जीपीटी जो भी ह्यूमन लाइक लैंग्वेज होती है जैसे कि इंग्लिश, उसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ यानी कि एआई के साथ। हाँ, ये वही है जो आप बचपन में सोचते थे कि यार हम तो बस लिखें और कंप्यूटर अपने आप ही सारे कोड समझ के वो काम को एग्जीक्यूट करे। तो एआई जो है आपकी भाषा जो कि हम नॉर्मली बोलते हैं उसको समझ के उस हिसाब से प्लान को एग्जीक्यूट करता है, और ये एआई मॉडल भी ओपन एआई ने ही जनरेट किया है जीपीटी। अब तो इसके वर्जन भी आ गए हैं, 2, 3, 4 तो नहीं आया खैर, और इसीलिए हम देख रहे हैं चैटबॉट GPT-3 का ट्रेंड, क्योंकि वो इसलिए इतना ज्यादा ट्रेंड में हो रहा है कि आप जो कुछ भी टाइप करो आपको अपनी ही लैंग्वेज में पूछना है और एआई आपका जवाब देगा। पूरे इंटरनेट के ऊपर जो डेटा है वहां से क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, कितने एल्गोरिथम पैटर्न्स बने हुए हैं, उससे एक यूनिक सॉल्यूशन निकालना, इसलिए चैटबॉट जीपीटी पे आज बहुत लोग क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। लेकिन ओपन एआई की एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का इस्तेमाल लोग बिजनेस बनाने के लिए अब कर रहे हैं। ओपन एआई में जैसे कि मैंने आपको बताया जीपीटी आपकी लैंग्वेज तो समझ लेगा लेकिन उसको आपके प्रॉम्प्ट बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए होते हैं एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए। आपको अपने प्रॉम्प्ट का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए तभी आप क्रिएटिवली डिजाइन कर सकते हैं एआई के ऊपर। प्रॉम्प्ट यानी आपकी इमेजिनेशन, जो आप कह रहे हैं एआई को ये काम करने के लिए, तो जो काम आपने लिखा है वो कितना सटीक है जिससे एआई समझ सके और उस हिसाब से वो काम कर सके और आपको रिजल्ट अपने हिसाब से मिल सके। तो वो अभी भी एआई ट्रेन करता जा रहा है धीरे धीरे। आपकी सही इंग्लिश हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अच्छे फॉर्मेट में नहीं है तो एआई आपकी इमेजिनेशन को समझ नहीं पाएगा और वो फोटोज तो बना देगा या कोई आर्टिकल तो लिख देगा लेकिन वो आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक मैंने सिंपल सी इमेजिनेशन लिखी है और इसके ऊपर उसने हमें कुछ फोटोग्राफ्स दे दिए, और यही अगर कोई प्रोफेशनल करता है तो वो कैसे करता है, उसका प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा दिखता है और उसका रिजल्ट कुछ ऐसा दिखता है। बस फिर क्या, लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी बना लिया, खासकर की आर्टिस्ट क्रिएटिव ओनर्स फ्रीलांसर्स की तो मौज हो गई इस प्रॉब्लम को ढूंढने के बाद, और बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ने अपने बिजनेस खोल दिए इस प्रॉब्लम के ऊपर। कंपनीज ढूंढ रही हैं उन लोगों को जो सही प्रॉम्प्ट डाल सके, इन एआई टूल्स का सही इस्तेमाल कर सके और वो अपने लिए बिना ज्यादा खर्च किए अपने हिसाब के रिजल्ट्स पा सके। तो आपके लिए ना केवल ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है बल्कि फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी निकल के आती है एआई प्रॉम्प्ट आर्टिस्ट की। अब इसको पूरी तरीके से समझते, आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर लोग आएंगे, आके अपनी इमेजिनेशन शेयर करेंगे और आप उनके लिए एआई जनरेटेड प्रोजेक्ट्स बना के उनसे पैसे ले सकते हैं, उनसे फीस ले सकते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, जब से ये लॉन्च हुआ है बहुत से लोग इसको ऑलरेडी कर चुके हैं और इसके ऊपर जो स्टार्टअप बने हुए थे वो बूम पे चले गए। एग्जाम्पल के तौर पे लेक्सिया, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे आगे। लेकिन एक सवाल आता है कि ये सब चीज हम कैसे सीख सकते हैं, प्रॉम्प्ट को कैसे परफेक्ट बनाया जा सकता है जिससे हम इससे बिजनेस खोल सकते हैं। आज हम AI सीखने जाएंगे तो यार सीखने की उम्र कोई होती नहीं है, लेकिन ये भी बात सच है कि सीखने में अगर टाइम ज्यादा लग जाए, और आज के जमाने में टाइम इज मनी है, तो वहाँ चीजें मैटर करना चालू हो जाती है। वैसे आपका क्या ख्याल है इस चीज के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताना। लेक्सिया एक ऐसा प्रोजेक्ट निकल के आया था या एक ऐसा टूल था जहाँ पर प्री बिल्डेड आर्टिस्ट अपने काम को अपलोड करते थे जो कि AI जनरेटेड काम ही होता था, और जो वो आर्टिस्ट हैं वो अपने प्रॉम्प्ट्स को एज एन पब्लिकली शो करते हैं जिससे लोग सीख सकें कि आसानी से प्रॉम्प्ट कैसे बनाए जाते हैं, जिससे AI समझ सके कि उसको क्या बनाना है। इसकी पॉसिबिलिटीज अनंत है दोस्तों, आप कुछ भी बना सकते हैं AI से। DALL-E 2 इसका इस्तेमाल करके लोग ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। चैटबॉट GPT का इस्तेमाल करते हुए लोग अपने मेल्स लिख रहे हैं कि क्लाइंट और इन्वेस्टर से कैसे पिचिंग में जीत सके, और कोडेक्स की मदद से मेन कोडेक्स की मदद से वो वेबसाइट एप्स सिर्फ अपने प्रॉम्प्ट डाल के बना रहे हैं। और ऐसे में आपको दूसरा बिजनेस प्लान भी मिल जाता है कि एक फुल्ली AI जनरेटेड टेक स्टार्टअप लोगों को ऑफर कर सकते हैं। लेकिन जिंदगी भी कहां आसान होती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ओपन AI जैसा ही एक प्लेटफॉर्म क्यों ना बना दिया जाए ओपन AI के अंदर, तो ये मुमकिन तो है लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो आपको एडवांस DSL को सीखना होगा, AI इंटीग्रेशन पे काम करना होगा, दूसरा एक अच्छी खासी रिसर्च नेटवर्क होना चाहिए
चाहिए आपका जो ओपन एआई, गूगल, मेटा जैसी कंपनीज के पास है। नो डाउट इसे आप बना सकते हैं, लेकिन एआई को ट्रेन करना वो भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। और ये जो ओपन एआई आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं वो 5-10 साल बाद, जो ओपन एआई आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं वो 5 साल बाद फुल्ली ट्रेंड होने की कैपेबिलिटीज में आया, तब जाके लोगों ने इसको पब्लिकली एंजॉय किया। लेकिन अगर वो हम कर सकते हैं, या हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बनती है कि हम इन टूल्स का इस्तेमाल करके अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं। वैसे अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपके क्या व्यूज हैं इस वीडियो के ऊपर, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लेकिन अगर लेट वाली वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो किसका इंतजार कर रहे हो? AI स्टार्टअप आइडियाज नए नवेले वहां पर मिल जाएंगे आपको। और राइट वाली वीडियो में कुछ फ्यूचरिस्टिक स्टार्टअप्स जो शायद इंडिया में नहीं लेकिन बाहर तो खूब धूम मचा रहे हैं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।